नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब राइडर। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब राइडर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रिलेटेड है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को, आपके परिवार को हैप्पी दिवाली बोलता हूँ। मेरी तरफ से आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अब वीडियो को शुरू। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में, कि आपने फेसबुक में कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं और क्या होती है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, अगर आपने जो है अब तक टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और जान लीजिए किस तरह से आप इसे इनेबल कर सकते हो। अब होती क्या है टू स्टेप वेरिफिकेशन? तो एक तरह की ये वेरिफिकेशन होती है, जब भी आप कभी लॉगिन करते हो, आपका एक पासवर्ड होता है, उसको यूज़ करते हो आप। हो सकता है कि वो हैक भी हो सकता है आपका अकाउंट, अगर आपने सिर्फ एक पासवर्ड रखा है वो हैक हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन होगी, जिसमें जो सेकंड स्टेप होगा जब आप लॉगिन करते हो किसी और डिवाइस में, तो दूसरा स्टेप भी वहाँ पे परफॉर्म होगा। उसमें अगर आपने कोई नंबर अपने मोबाइल नंबर को रखा है, तो उस पर एक पासवर्ड जाएगा जो एक ओटीपी होगा। वो ओटीपी जैसे ही डालेगा, तभी जो आपके फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट में वहाँ पे लिंक जो है आपका अकाउंट लॉगिन हो सकता है वहाँ पे। वैसे अगर आपका सिर्फ एक पासवर्ड ही होगा जो आपने रखा है, उससे हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक गया, तो एकदम से हो गया, तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक लेवल थोड़ी ऊपर सिक्योरिटी हो जाएगी अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन कर देते हो। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अगर आपने एक कमरा है, उसके अंदर एक अलमारी है, उसमें आपने पैसे रखे हैं। अगर आपने कमरे को बाहर से बंद किया और उसमें लॉक लगाया, लेकिन अलमारी में लॉक नहीं लगाया, जो भी कोई चोरी करने आएगा वो आपके घर के दरवाजे को, लॉक को तोड़ देगा, और आप अंदर तो आपकी अलमारी जो है ओपन ही होगी, उस पर लॉक नहीं होगा, तो आसानी से वो चोरी करके ले जाएगा, काफ़ी कम समय लगेगा जल्दी। अगर मान लीजिए आपने लॉक बाहर भी लगाया और अंदर भी लगाया, तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हैकिंग की बात आती है। अगर कोई आपके अकाउंट को हैक करता है, अगर आपने सिंपल सा पासवर्ड रखा है, वो हैक कर देता है आपके अकाउंट को, तो उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपने नहीं किया है, तो उसको दूसरा स्टेप करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने किया है तो उसको उतना ही टफ हो जाएगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर को भी हैक करना पड़ेगा जो आपने रखा है, उस पर आपका एक मैसेज जाएगा जब भी वो किसी और डिवाइस में लॉगिन करेगा। तो इससे आपकी जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम की। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हमने अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, तो सबसे पहले मैं फेसबुक में बताऊंगा किस तरह से आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर जो आपको दिख रहा है फेसबुक पे, चले जाना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में चले जाना है, यहाँ पे नीचे एक सेटिंग आपको दिख रही है, सेटिंग में जाना है फेसबुक की। उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं जनरल सेटिंग आ रहा है, उसके बाद सिक्योरिटी एंड लॉगिन आ रहा है, तो सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करने का, कैसे सेटअप कर सकते हो। यहाँ से आपको पहला ऑप्शन मिलता है जो टेक्स्ट मैसेज का है, कि एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पे सेटअप कर लीजिए, उसके बाद जब भी कोई दूसरे डिवाइस में, दूसरे मोबाइल में लॉगिन करें आपकी आईडी को, तो सबसे पहले वो पासवर्ड मांगेगा। मान लीजिए उसके पास पासवर्ड है, लेकिन उसके बाद एक लॉगिन मैसेज आपको ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी मांगेगा नंबर दो ऑथेंटिकेशन करने के लिए, कि जो यूज़ कर रहा है यूज़र, वो सच में ही उसी फेसबुक का यूज़र है, उसी का फेसबुक अकाउंट है या नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ से करने के लिए नंबर यहाँ पर रखना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ एक बार डिसेबल करता हूँ, उसके बाद इनेबल करके आपको, तो दोस्तों यहाँ पे इनेबल का आ रहा है, इनेबल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए इस तरह का पॉपअप आएगा, आपको पॉपअप पे क्लिक करना है और यहाँ से आएगा कि आप जब भी लॉगिन करोगे तो आपको किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस में, तो आपका जो है एक दूसरा लेवल आएगा सिक्योरिटी, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा, जिसमें इस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, तभी वो लॉगिन होगा दूसरे मोबाइल में, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको नंबर चेंज करना है, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो उसको, ऐड मोबाइल नंबर। अगर और नंबर आप यूज़ करना चाहते हो, तो जैसे हम यहाँ पे
ऐड मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा नंबर डालना है जो आप कोई डालना चाहते हो। तो इस तरह से चेंजेस भी कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर आप जो भी रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, जैसे एक नंबर यहाँ पे जैसे चेंज मैं करके बता देता हूँ आपको, आसानी से आप कर सकते हो। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद एक टेक्स्ट आएगा, वो कन्फर्मेशन कोड आपको लिखना है, बताना है यहाँ पे जो आपके मोबाइल पे सेंड होगा, तो जल्दी से आ जाता है, इतना समय नहीं लगता। दोस्तों अगर आप इसी को अपने मोबाइल पे करना चाहते हो तो फेसबुक ऐप पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, उस पर आपको नीचे सिक्योरिटी कोड जनरेटर रिकवरी कोड्स, तो उनके लिए कुछ ज़रूरत होती है कुछ ऐप्स। अगर थर्ड पार्टी के ऐप्स आप करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो कि कोई जो है थर्ड पार्टी की ऐप में आपको OTP आए, इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो उसमें भी, लेकिन एक में NFC आपके पास होना चाहिए आपके मोबाइल में, तो ही आप कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, इसको आप रखिए जो मैंने आपको बताया है, आसान भी है काफ़ी, ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं, कंफर्म कर लीजिए। इस तरह से दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आप जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका इस नंबर पे ऑन हो जाएगा, ये बता देगा कि किस नंबर पे है, इस नंबर पे हमारी जो है इनेबल है, दूसरे पे डिसेबल। आप बहुत से नंबर ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नंबर, उसके बाद आप तीन चार नंबर भी ऐड कर सकते हो, कुछ को आप डिसेबल कर सकते हो, जो आप नहीं रखना चाहते हो उन्हें डिसेबल कर सकते हो। तो इस तरह से आप कई नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था फेसबुक में कैसे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। अब चलते हैं इंस्टाग्राम पे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है प्रोफाइल पे, उसके बाद आपको तीन जो यहाँ पे डॉटेड दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है, जो चेंज पासवर्ड है उसके नीचे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड रिक्वायर होगा, तो उसको आपने ऑन कर लेना है, आपका ऑफ होगा तो उसे आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद टर्न ऑन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक OTP जाएगा इस नंबर पे। फॉर एग्जांपल के लिए ये नंबर आपका बहुत पुराना हो चुका है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मेरा भी ये पुराना हो चुका है, तो मैं आपसे अपना नया नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो उसके बाद एक आपको OTP आएगा, वो आपने डालना है 6 डिजिट का आपके मोबाइल नंबर पे। तो हमारे पास आ चुका है ये, तो हम डाल देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बैकअप कोड रहेंगे जब भी कभी जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आप किसी अदर डिवाइस में अगर आप जो है यूज़ करते हो इंस्टाग्राम, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत रहेगी। अगर या कोई हैक करके दूसरे डिवाइस पे आपका कर रहा है यूज़, तो उसको भी इन कोड्स की ज़रूरत रहेगी जो आपके पास ही रहेंगे। आप यहाँ से उन्हें स्क्रीन शॉट लेके तो रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लेके रख देता हूँ। तो इस तरह से आप रख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, या फिर लिख भी सकते हो कहीं पे, या कॉपी करके भी रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि जब भी आपको कोड की ज़रूरत रहेगी आप नया कोड भी ले सकते हो। अगर आप इन्हें भूल जाते हो, जो सिक्योरिटी कोड नहीं मिलता, तो आपको इन कोड्स की ज़रूरत रहती है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इंस्टाग्राम की टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो। आई होप आप ये जान चुके होंगे कि किस तरह से हम इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिए आप अपना ध्यान और मनाइए अच्छी तरह से दिवाली। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।